वीर महाराणा प्रताप जिनकी वीरता और शौर्य गाथा को आज हर कोई जानता है, पूरे भारत देश में उनके चाहने वाले हैं और भारत के हर जगह उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उन्हें देखकर हमें आज भी उन पर और उनके बलिदान पर गर्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कई देश ऐसे भी हैं जहां वीर महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान से प्रेरित होकर वो देश आज भी उनके जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं। एक देश ने तो वीर महाराणा प्रताप को सम्मान देने के लिए दुनिया के सबसे भारी चांदी के सिक्के जारी किए, जिसके एक और वीर महाराणा प्रताप का चित्र, एक और उनकी जन्म देहांत तारीख अंकित है। आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। माल्टा नामक देश ने महाराणा प्रताप के जीवन से प्रभावित होकर उन्हें सम्मान देने के लिए 2003 में चांदी के 1 किलो वजन के 100 सिक्के जारी किए थे, जो विश्व के सबसे भारी सिक्कों की सूची में शुमार हुए, जिसके एक और महाराणा प्रताप का चित्र और उनके जन्म देहांत की तारीख अंकित हैं, तो दूसरी ओर माल्टा देश का चिन्ह व नाम है। दोस्तों अगला देश है मॉरीशस। मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई और उस रास्ते को महाराणा प्रताप लेन नाम दिया गया। और इसके अतिरिक्त पोर्ट लुइस में घुड़दौड़ मनोरंजन का साधन है, वहाँ कई प्रवासी भारतीय निवास करते हैं। इसमें जो घोड़ा सफल होता है उसे सभी प्रवासी भारतीय चेतक के नाम से पुकारते हैं। अगला देश है दक्षिण मॉरीशस। दक्षिण मॉरीशस में प्रताप बैठकाएं की मान्यताएं हैं, जहां सभी लोग बैठकर आपसी चर्चाएं करते हैं, इसलिए उसका नाम महाराणा प्रताप के नाम से प्रताप बैठका रखा है। फिजी का प्रसिद्ध कवि जो दुबू का रहने वाला है, वो अपनी रचनाओं में अपने नाम की जगह वीर प्रताप लिखता है। अगला देश है दुबई। हाल ही में 2021 में महाराणा प्रताप की प्रतिमा दुबई में स्थापित की गई। यह प्रतिमा जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार महावीर भारती जी ने बनाई थी। अटलांटिक महासागर के उत्तरी छोर पर गुहाना में भारत दर्शन उत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले भारत दर्शन उत्सव की झांकी में महाराणा प्रताप का चित्र प्रमुखता के लिए होता है। अगला देश है त्रिनिडाड टोबेगो। टोबेगो में सन 1985 में वहां हुए भारत की झांकी कार्यक्रम में महाराणा प्रताप का तेल चित्र रखा गया था। वहां के भारतीय विद्या संस्थान में मीराबाई व महाराणा प्रताप का चित्र संग्रहित है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में आज भी दानदाता को वहां के भारतीय भामाशाह कहकर पुकारते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई भी उन्हें बचपन से ही महाराणा प्रताप जैसे वीरों की गाथाएं सुनाया करती थी, जिनसे प्रभावित होकर वीर शिवाजी महाराज ने न केवल सीख ली बल्कि छापामार पद्धति अपनाते हुए मुगल सत्ता को भारी चुनौती दी थी। यदि कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप के जीवन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ तो वो था उन्हीं का अपना लहू, जिन्होंने महाराणा प्रताप के देहांत के बाद मेवाड़ का केसरिया अपने हाथों में लिया और चुनौती दी मुगल तख्त पर बैठे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को और उसके बाद उसके बेटे जहांगीर को। चारण रामा साधु ने हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल लिखा है कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर वार किया लेकिन वह झुककर बच गया और महावत मारा गया। बेकाबू हाथी को मान सिंह ने तो संभाल लिया, सबको भ्रम हुआ कि मान सिंह मर गया। दूसरे ही पल बेलोल खा पर महाराणा प्रताप ने ऐसा वार किया कि सिर से घोड़े तक के 2 टुकड़े हो गए। युद्ध में महाराणा प्रताप को बंदूक की गोली सहित 8 बड़े घाव लगे थे, तीर तलवार की अनगिनत खरोचे थी। इस पर कई कवि ये लिखते हैं कि ऐसे वीर की ख्याति लिखते मेरी कलम ही रुक जाती है। धन्य थे हमारे वीर महाराणा प्रताप, जिनकी वीरता और शौर्य गाथा भारत में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी देखने को मिलती है।